यह कहानी है हाथी के मनोबल और एक पतली रस्सी की। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से कैसे बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और उसे हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी इतना विशाल है, फिर भी यह पतली सी रस्सी से और खूंटे से क्यों बंधा है? या चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन यह फिर भी क्यों बंधा हुआ है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इस वजह से यह नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिश की, लेकिन जब यह इससे रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यह विश्वास बना हुआ है कि यह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। दोस्तों, उस हाथी की तरह हम इंसान भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनमें हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम यह मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंध कर हाथी जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हमें ऐसी छोटी छोटी पतली पतली रस्सियों को जो असफलता से बंधी हुई हैं, इनको हमें तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।